प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 9, यानी इस बार जो अर्धवार्षिक का पेपर वो किस प्रकार का आएगा, उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारे आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए जानते हैं अर्धवार्षिक का जो पेपर आएगा किस प्रकार का आएगा, कितना समय मिलेगा, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात है, इस बार का जो पेपर है उसमें संशोधन किया गया है। आपके 48 मार्क्स का आपके पेपर आएगा, यानी 48 नंबर का आपके अर्धवार्षिक का पेपर आएगा और 12 नंबर आपके पोर्टफोलियो फाइल के मिलेंगे और 20 प्रश्न, एक से लगाकर 20 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी बहुविकल्प वाले एबेस अदे वाले प्रश्न होंगे, एक से लगाकर 20। ये एबेस अदे भी वाले भी होंगे और इसके साथ साथ इसमें कुछ खाली स्थान भी पूछे जा सकते हैं, कुछ सत्य असत्य वाले प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं। यानी 20 प्रश्न आएंगे आपके MCQ वाले, यानी बहुविकल्प वाले, और ये 20 प्रश्न 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा, यानी 20 प्रश्न 20 अंक के होंगे। और 21 से 27 तक, यानी ये जो 7 प्रश्न है वो 2-2 अंक के होंगे और इसके अलावा 3 प्रश्न आएंगे जो 3-3 नंबर के होंगे और उनमें आंतरिक विकल्प यानी अथवा वाले प्रश्न आएंगे, यानी कुल मिला के 27 के बाद 3-30 और एक प्रश्न मानचित्र वाला आएगा जो कि 4 अंक का होगा। इस प्रकार का आपका इस बार का जो पैटर्न है इस प्रकार रहने वाला है। ये 9th और 10th दोनों ही कक्षाओं में इसी प्रकार का ये रहने वाला है। तो सबसे पहला काम ये करिए, जो आपके यानी कि पेपर किस प्रकार का आएगा, बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन है कि पूरा सिलेबस आएगा। देखिए, पूरा सिलेबस नहीं आएगा, आपकी पाठ्य पुस्तक जो कि इतिहास है, राजनीति विज्ञान, भूगोल, ये जो चारों किताबें हैं उनका 30% चैप्टर तो पहले हट चुके हैं और अब बचे 70%, 70% का 60%, यानी कि आपकी हर किताब का पहला और दूसरा, पहला दूसरा पार्ट आपके अर्धवार्षिक में आने वाला है। तो आप एबेस अदे वाले जो प्रश्न उनको अच्छी तरीके से याद कर ले, 20 प्रश्न एबेस अदे वाले आएंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला भी हूँ कि वो एबेस अदे वाले प्रश्न कौन से होंगे, किस प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनके बारे में। पहला आज का हमारा प्रश्न है, देखिए आप ये वीडियो पूरा देखें, ये आपके अर्धवार्षिक में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सारे जो प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आएंगे, 20 अंक इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा, यानी कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र है, जहाँ सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र कौन सा है, तो वो नदी है अमेजन नदी। ये अमेजन नदी विश्व की सबसे ज्यादा अपवाह वाली नदी है। तो चलिए आगे का प्रश्न जानते हैं। आगे का प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम में बहती बहती है और मुहाना बनाती है। देखिए, भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो मुहाना बनाती है, यानी डेल्टा नहीं बनाती और डायरेक्ट नदी समुद्र में समा जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन में तापी है, तो तापी ये मुहाना बनाती है। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली पेम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट, यानी तीसरा स्टेट क्या है, ये इतिहास का प्रश्न है, किसने लिखा था। तो देखिए, इसका मीराबू अबेसिया, जॉन पॉल मराटो, ओलंपेदी गूज, यानी इसको लिखने वाले थे, अबेसिया, अबेसियस ने ये व्हाट इज थर्ड एम्पायर, थर्ड स्टेट, ये पेम्पलेट लिखा था। अगला प्रश्न है, किस समूह के लोग जेकोबिन क्लब में शामिल नहीं हुए थे, यानी कौन से लोग थे जो जेकोबिन क्लब था उसमें शामिल नहीं हुए थे। तो संपत्ति, कारीगर, दुकानदार और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, ये तीनों ही लोग शामिल थे, लेकिन संपत्ति वाले लोग, यानी जिनके पास पैसे थे, संपत्ति वाले लोग थे, वो जेकोबिन क्लब में शामिल नहीं हुए, ये ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी महिलाओं ने अधिकार की मांग की थी, कौन से अधिकार की मांग की थी, वोट करने के लिए, विधानसभा के लिए चुनाव लड़े जाने के लिए,
और राजनीतिक पद धारण करने के लिए यानी उपयुक्त सभी, ये सभी अधिकारों की मांग फ्रांसीसी महिलाओं ने की थी। यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें, जहां पर उपयुक्त सभी आता है ज्यादातर प्रश्नों में वो उत्तर सही होता है, तो उपयुक्त सभी ये आंसर आप करके आए। अगला प्रश्न है, स्टेट जनरल की बैठक में तृतीय स्टेट के सदस्यों ने मांग की थी, यानी स्टेट जनरल की जब बैठक चल रही थी फ्रांस में, तो तीसरे जो स्टेट था उसके जो सदस्य थे उन्होंने क्या मांग की थी कि स्टेट तीनों स्टेटों को मिलाकर एक वोट होना चाहिए, प्रत्येक स्टेट में एक वोट होना चाहिए, तीन तीनों जो स्टेट के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होना चाहिए। तो इसमें मांग की थी कि तीनों जो स्टेट है उनके प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होना चाहिए, यानी बी जो ऑप्शन है इसका राइट है, ये वाला ऑप्शन इसमें राइट है, ये तीनों स्टेट के प्रत्येक सदस्य के पास एक एक वोट होना चाहिए। ये प्रश्न राइट है, ये थोड़ा आंसर गलत टाइप हो गया, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, यानी ये इसका सही है, तीनों स्टेट के प्रत्येक सदस्यों के पास एक वोट होना चाहिए। अब आगे का प्रश्न देखते हैं, कार्यशील पूंजी का अर्थ क्या है, यानी कार्यशील पूंजी क्या होती है। तो कार्यशील पूंजी यानी जो उद्योग है वो लगातार चलता रहता है, उसको कार्य रूप देती रहती है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है कच्चा माल और हाथ में पैसा, यानी कच्चे माल की रोज आवश्यकता पड़ती है और इससे ही कोई कारखाना उद्योग लगातार चलता रहता है, तो कच्चा माल और हाथ में पैसा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति का जनक भी माना जाता है, जिससे दूध उत्पादन में क्रांति हुई थी, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और उस दौरान दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच विभाजन पर स्थित है, यानी सिंधु और गंगा नदियों के बीच जल विभाजक का काम कौन करती है, तो उसका सही उत्तर है अंबाला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबाला। आगे का प्रश्न देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करने वाली कौन सी नदी दिहांग कहलाती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत से बहने के बाद ये अरुणाचल से भारत में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपका वीडियो पर अच्छा प्यार मिलेगा, आपके अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, तो और भी वीडियो आपके सामने आएंगे। अगला प्रश्न है, जून को वर्साय में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए इसका सही उत्तर है अब्बेसिया और मिराबियू, इन दोनों ने ही तृतीय स्टेट जिसमें आम नागरिक, मजदूर, गरीब लोग शामिल थे। देखिए फ्रांस में तीन स्टेट थे, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, पहला स्टेट था जिसमें पादरी थे, दूसरा स्टेट था जिसमें कुलीन लोग थे, और तीसरे स्टेट में आम नागरिक थे, तो जिसका नेतृत्व किया था मिराबियू और अबेसिये ने। अगला प्रश्न है, कौन से प्रावधान विधानसभा द्वारा 4 अगस्त 1789 की रात को ही पारित किए गए थे, तो इसका जो सही उत्तर है वो है दायित्व सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया, पादरियों को अपना विशेषाधिकार छोड़ने पड़े, और दशांश यानी टाइथ का जो दशांश कर लगता था वो समाप्त कर दिया गया, यानी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी जहां जाते हैं वो प्रश्न सही होता है। अगला प्रश्न है, 1791 के नए संविधान के अनुसार नेशनल असेंबली का होना था, क्या होना था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से अधिकार 1791 के संविधान द्वारा प्राकृतिक और अक्षम्य अधिकारों के रूप में स्थापित नहीं किए गए थे, तो देखिए इसमें जो सही स्थापित नहीं किए गए थे, इनकी जगह किए गए थे तो जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये जो अधिकार है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, निर्वाह संकट कैसा होता है, यानी खराब फसल से अनाज की कमी हो जाती है तब, खाद्य कीमतों में वृद्धि, और सबसे गरीब रोटी नहीं खरीद सक गरीब व्यक्ति रोटी नहीं खरीद सकता उसे कहते हैं, या फिर किसे कहते हैं, कमजोर शरीर, बीमारियां, मौतों, यहाँ तक कि खाद्य दंगों की हो जाती, उपयुक्त सभी, यानी खाद्य निर्वाह संकट यानी जीवन निकल
का निर्वहन करना कठिन हो जाता है उसे जीवन निर्वाह संकट कहते हैं, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिलोटिन, गिलोटिन था, ये गिलोटिन क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ही इसका राइट है, एक उपकरण जिसमें दो डंडे और ब्लेड होती थी और जिसके साथ एक व्यक्ति का सिर काट दिया जाता था, यानी एक गिलोटिन मशीन थी जिसमें अपराधी व्यक्ति को सिर रख दिया जाता था और एक झटके से ही उसका सिर धड़ से अलग हो जाता था, जिसे गिलोटिन कहा जाता है। अगला है शब्द लिब्रे से, लिब्रे ये क्या है? तो देखिए लिब्रे से या लिब्रे, लिब्रे भी कहते हैं और लिब्रे से भी कहते हैं, ये क्या था? ये फ्रांस की मुद्रा थी, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, फ्रांस में मुद्रा की इकाई थी जिसे लिब्रे के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है ये, जैसा कि ये प्रश्न आ गया पहले ही, स्टेट जनरल, देखिए स्टेट जनरल ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस में जो स्टेट जनरल थे कितने में जो कितने स्टेट थे, तो तीन स्टेट थे, पहला स्टेट था जिसमें पादरी, दूसरे स्टेट में कुलीन और तीसरे स्टेट में आते थे आम नागरिक, मजदूर, ये सभी उसमें शामिल थे। तो जो एस्टेट जनरल था ये क्या था? तो इसका सही उत्तर एक राजनीतिक निकाय था, बी इसका राइट है, जिसमें तीनों स्टेट यानी पादरी, कुलीन और जन सामान्य शामिल थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा लिखी गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, दी ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार पर दो ग्रंथ, ये जॉन लॉक द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड स्टेट में शामिल थे, ये प्रश्न आ गया है, मैंने बार बार कहा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आप याद रखें। तो थर्ड स्टेट में थे गरीब, नौकर, छोटे किसान, मजदूर, किसान, कारीगर, बड़े व्यवसायी, व्यापारी और वकील, ये सभी लोग शामिल थे। जबकि दूसरे जो दो स्टेट थे, प्रथम स्टेट था जिसमें पादरी लोग शामिल थे और दूसरा स्टेट था उसमें कुलीन लोग शामिल थे और थर्ड स्टेट था जिसमें ये सभी लोग शामिल थे। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न 100% आ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय सम्मेलन द्वारा लिया गया था? तो जो लिया गया था वो निर्णय था फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा के सदस्य कितने थे? भारत का संविधान जो संविधान बना था वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, उसमें कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 299 सदस्य थे संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये ज्योग्राफी में पहले ही चैप्टर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ओडिशा, ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, तुर्की जैसे देश शामिल थे, यानी केंद्रीय शक्तियां, धुरी राष्ट्र और ये जो केंद्रीय शक्तियां थी इसमें कौन शामिल थे? तो जर्मनी, तुर्की और इनके साथ कौन था? तो इनके साथ था ऑस्ट्रिया, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। लोकतंत्र शब्द ग्रीक शब्द से बना है, लोकतंत्र जो शब्द है किस शब्द से बना है? तो और लोकतंत्र जो बना है डेमोक्रेटिया से बना है, डेमोक्रेटिया से बना है। अप्रैल थीसिस से नाम जुड़ा, अप्रैल थीसिस किसके द्वारा जो जारी की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लेनिन के द्वारा जारी की गई थी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी था ऑप्शन ए इसका राइट है, स्टालिन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि उदारवादी लोकतांत्रिक नहीं थे, यानी जो यूरोप के देश थे वो उदारवादी लोकतांत्रिक नहीं थे? तो पहला देखते हैं, वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल राइट बात है, और उन्होंने महसूस किया केवल संपत्ति के पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, यानी जी और लोग जिनके पास संपत्ति होती थी वही वोट दे सकते थे, बिल्कुल सही बात है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था इन देशों में, ये सही बात है, यानी उपयुक्त सभी कथन इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, यूरोप में नई राजनीतिक प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के विकास हुए? तो यानी जो नई क्रांतियां हुई इससे क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुई, नए शहर बसे, रेलवे का विकास हुआ, यानी उपयुक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल है? देखिए ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक्स वाली जो पुस्तक है उसका है। तीन क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्र यानी जो सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं जैसे कृषि, खनन, डेयरी, ये सारे प्राथमिक क्षेत्रक है।
और द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र यानी विन जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके अपनी आवश्यकता अनुसार उसका जो निर्माण किया जाता है बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से, उसे विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं जो द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र जिसमें कि बैंकिंग संचार जैसे क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, तो सीधा सा इसका उत्तर हो जाएगा वानिकी, क्योंकि ये संचार ये तृतीय क्षेत्र में आता है। पर्यटन यानी सेवा की जो क्षेत्र है संबंधित व्यवसाय है वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी की समस्या का सामना करता है, यानी जो बेरोजगारी है वो कौन से क्षेत्र जिसमें मौसमी बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा रहती है, यानी एक मौसम में रोजगार मिलता है और दूसरे मौसम में बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। कृषि ऐसा क्षेत्र है जिसमें मौसमी बेरोजगारी होती है। इटली में क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, तो क्रांति लाने का श्रेय जाता है ऑप्शन सी, जोसेफ मेजिनी को जाता है। इनमें से किस मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। लेनिन की अप्रैल थीसिस किसे कहा जाता है, तो लेनिन की जो अप्रैल थीसिस थी वो थी प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए, दूसरा भूमि किसानों को हस्तांतरित की जानी चाहिए, तीसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इन तीनों को ही अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से याद करें। अगला है, इटली में क्रांति लाने की साजिश किसने की थी, तो इटली में जो क्रांति लाने का श्रेय है वो है ग्यूसेप मेजिनी, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, तो भारत को जो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या अर्थ है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं वयस्क मताधिकार, यानी इसका मतलब होता है सभी वयस्क लोगों को वोट देने का अधिकार। इसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या वयस्क मताधिकार के नाम से, हिंदी में वयस्क मताधिकार के नाम से इनको जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में हड़ताल पर गए मजदूरों ने क्या मांगे रखी थी, तो जो मजदूर जो हड़तालें कर रहे थे उन्होंने मांग रखी थी काम करने के समय को घटाकर 8 घंटे करना किया जाना चाहिए, मजदूरों में मजदूरी में वृद्धि और काम करने की स्थिति में सुधार। ये सभी मांगे पीटर्सबर्ग जो रूस में हड़ताल हुई थी उसमें मजदूरों ने मांग रखी थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी महिलाओं ने अधिकार की मांग की थी, तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है कि वोट करने के, विधानसभा के लिए चुनाव जो चुने जाने के लिए, राजनीतिक पद धारण करने के लिए उपयुक्त सभी। और ये प्रश्न, प्रभावशाली पेम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, अब्बे सीए ने लिखा था। अगला प्रश्न, 1914 में शुरू हुई प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, किसके खिलाफ लड़ी थी, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया, यानी रूस का जो युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में सामना किसके साथ हुआ था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। कर्क रेखा नहीं गुजरती, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, ओडिशा से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, यानी भारत का, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति आपको याद होनी चाहिए, तो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो ये लास्ट में जो पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर चलता है 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेपाल से इन राज्यों की सीमाएं मिलती है। मेरा एक दोस्त ऐसे देश से हैं जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता, वह देश को पहचानना, यानी भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है, सीधी सी बात यह है, तो भूटान पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी पड़ोसी, नेपाल भी पड़ोसी, ताजिकिस्तान ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि आप अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान कवारत्ती जाने का इरादा रखते हैं, तो आप भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, तो देखिए कवारत्ती ये कहाँ की राजधानी है आपको ध्यान होना चाहिए, कवारत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी, और ये लक्षद्वीप कहाँ पर है, ये अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ये आ चुका है, मेरा दोस्त एक ऐसे देश है जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो पड़ोसी देश कौन सा नहीं है, सीधी सी बात यही पूछ रहा है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ताजिकिस्तान। अगला प्रश्न है,
कौन सा अक्षांश भारत की मुख्य भूमि में सबसे दक्षिणी बिंदु से होकर गुजरता है? तो यानी भारत की जो अक्षांशीय अक्षांशीय बिंदु है जो सबसे दक्षिणी, वो 8 डिग्री 4 मिनट है। ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, मसौदा समिति यानी जिसे प्रारूप समिति भी कहते हैं, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसका सीधा सा उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र से संबंधित द्वीपों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह अरब सागर में स्थित, यानी कौन सा जो द्वीप है अरब सागर में है? तो भारतीय द्वीप, देखिए इसका जो सही उत्तर है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए मालदीव ये भारत का नहीं है, है ना, ये अलग देश है, और श्रीलंका भी एक अलग देश है। भारत का जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, माजुली, माजुली नदी में स्थित एक नदी द्वीप है, माजुली जो द्वीप है कौन सी नदी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र में स्थित सबसे बड़ा नदी ये द्वीप है माजुली, जो कि असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाई मुंदी, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये सॉरी माफ कीजिएगा, जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी होगी, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत का आकार कितना है, यानी भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से 2रा स्थान। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे, यानी बोल्शेविक पार्टी के नेता थे लेनिन। अगला प्रश्न है, भारत का मानक मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ये 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, ये जिसे भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये लाइन निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूरोप से भारत की दूरी को 7,000 किलोमीटर कम कर दिया, यानी पहले अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत आते थे यूरोपीय यात्री, लेकिन बाद में स्वेज नहर बन जाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति ने किसानों को पेश किया, यानी हरित क्रांति हुई थी वो की कौन से क्षेत्र में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है, गेहूं और चावल की खेती में सुधार हुआ था और उससे पैदावार में वृद्धि हुई थी। और यह भी ध्यान रखिए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आइए और देखते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे वो मैंने बताए हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग 23 मिनट का ये वीडियो बन चुका है। ये मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको 20 नंबर के जो प्रश्न है वो इससे आपको जरूर मिलेंगे, और बाकी के प्रश्न भी मैं और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मिल जाएंगे। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर इस वीडियो पे आपका प्यार मिलेगा तो और भी वीडियो मैं आप बनाकर आपके सामने लाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।